धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के रहवासी नितिन पटेल और सुरेश चौकसेन है गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नींद से जगाने का प्रयास किया। नितिन पटेल ने नगरपालिका पहुंचकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी मधु सक्सेना, नगरपालिका अध्यक्ष कविता वैष्णव, लोक निर्माण सभापति क्षमा जायसवाल को गुलाब का फूल दिया और कहा कि हम अहिंसावादी पथ पर चलने वाले लोग हैं। देखिए लोग किस तरह त्राही त्राही कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी नगरपालिका कही जाने वाली पीथमपुर नगरपालिका में जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों की मरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसके बाद नितिन पटेल ने उन गड्ढों वाली सड़कों से गुजर रहे बस संचालकों, मैजिक चालकों और दो पहिया वाहन चालकों को भी फूल दिया कि आप बहुत बहादुर हैं जो बसों में इतनी सवारियां लेकर जान जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे हैं। नितिन पटेल ने बताया कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सब गहरी नींद में सोई हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज हमने नगर पालिका पीथमपुर में हाउसिंग बोर्ड में जैसे रोडों को देखा आपने कि रोडों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पीथमपुर सर्विस रोड आप देख रहे हैं, आईसर ब्रिज से लेकर प्रीतिनगर तक की सर्विस रोड देख रहे हैं जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। सागर कुटी की आप सर्विस रोड देख रहे हैं, तो तमाम पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में सर्विस रोड वार्डों की रोडों को देख रहे हैं तो सभी खुदी पड़ी हुई है। और सर्विस रोडों की ये हालत है कि आए दिन दुर्घटनाएं घटना होती रहती है, बड़ी घटना का अंदेशा बना रहता है। तो आज हमने क्वाइट का को देखते हुए हमने पूरा उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ना भीड़ भड़क का ज़्यादा लिया और हमने एक गांधीवादी तरीके से वहाँ से जो गुजर के लोग आ रहे थे, जो उन गड्ढों को पार करके लोग आ रहे थे, उनको बधाइयाँ दी। कई बस वाले जो जिनके ऊपर पूरी जवाबदारी रहती है बस में बैठे पैसेंजरों की, क्योंकि वहाँ ऐसी हालत है उन गड्ढों की कि गाड़ियों का एक तरफ का पहिया पूरा उड़ जाता है। वीडियो में आप कहीं देखेंगे आप कि पूरी गाड़ी झुक जाती है, एक्सीडेंट का चांस बना रहता है। तो कई गाड़ी वालों को इनको हमने बधाई दी कि भैया आप धन्यवाद के पात्र हैं कि साफ कुशल आप सवारी को बाहर इन गड्ढों से निकाल के ले आ रहे हैं। और साथ ही हमने फिर उसके बाद नगर पालिका प्रशासन को क्या फूल भेंट का निवेदन किया। वहां पर हमें मधु सक्सेना CMO जी से हमने निवेदन किया, कविता संजय वैष्णव जी से हमने निवेदन किया, समिति के अध्यक्षों से निवेदन किया, वहाँ तमाम जो संबंधित अधिकारी थे इंजीनियर से उनसे निवेदन किया कि आप वैकल्पिक रूप में जल्द से जल्द इन गड्ढों पे आप गांधा डलवाएं, मुरम डलवाएं, जो भी ऐसी चीज़ें डलवाएं जिससे लोग गिरे नहीं, घटनाएं नहीं हो। और वो निवेदन किया उन लोगों से हमने और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम ये जल्द करवाएंगे। आपका नाम और पद बताएं। नितिन पटेल, एक यही का निवासी हूँ मैं, लोकल व्यक्ति हूँ मैं, और ये मेरा दायित्व बन जाता है अगर समस्या है तो उसको उठाना हमारा दायित्व बन जाता है, हर आम आदमी का दायित्व बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।